हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीडी फ्री डिश पर रेडियो कैसे चलाएं। दोस्तों, काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि डीडी फ्री डिश के जो सेट टॉप बॉक्स के है उसके अंदर जो रेडियो के चैनल है वो कैसे चलाएं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम यही जानने वाले हैं कि डीडी फ्री डिश पर फ्री टू एयर वाले जो कि एयर रेडियो चैनल होते हैं वो आपको कैसे चलाना। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी आपके डीडी फ्री डिश पर टोटल जो चैनल है वो 94 आ रहे हैं। ठीक है, 94 यहाँ पर आप चैनल देख ले, वो टोटली 94 चैनल देखने को मिले। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसके अलावा कि आपको पता है कि रेडियो के चैनल भी आते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो का। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चाहे गाइस वीडियो चैनल को चालू करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको मेन्यू बटन को दबाना। ठीक है, उसके बाद में देखिए आप यहाँ पे अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो नंबर दिख रहा है रेडियो चैनल लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको इस पर ओके कर देना। ठीक है, तो जैसे ही आप ओके करेंगे तब आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं डीवी भी लिखा हुआ आ गया और यहाँ पर रेडियो के चैनल चालू हो गए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सभी रेडियो के चैनल है इस पर फ्री टू एयर वाले रेडियो चैनल आपको एफएम यानी दोस्तों आपको एफएम सुनने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग संगीत है, म्यूजिक हो गए और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर राजस्थानी सॉन्ग्स है, यहाँ पर पंजाबी सॉन्ग्स है, सब जो है आप म्यूजिक सुनना चाहते हैं वो आप यहाँ पर से सुन सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये थे रेडियो के चैनल। ठीक है, अब गाइस वापस से आपको वीडियो चैनल पर जाना होगा तो आपको कैसे जाना है। ठीक है, तो आपको वापस से वीडियो पर जाना है तो आपको मेन्यू बटन को दबाना है। उसके बाद में सबसे ऊपर वाला है वो टीवी चैनल लिस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर, इस पर आपको ओके कर देना। ठीक है, जैसे ही ओके करेंगे तब आपके डीडी फ्री डिश का वापस से वीडियो चैनल चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो गाइस ऐसे अपडेट पाने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन वाला बटन भी जरूर दबा के रखना है। ठीक है गाइस, तो चले गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट और अपडेट के साथ में। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।